टिकट दे देगा और ऐसे लोगों को टिकट मिलेगा जो जम्मू में टिके जाने। आज राष्ट्रीय जनता दल ने महागठबंधन ने ऐसा प्रत्याशी दिया है, आपके घर के लोगों के बीच की प्रत्याशी आप लोगों को मिला है। आप सब लोगों को निर्णय करना है कि आने वाले चुनाव में अब दूसरी तरफ वाले को हम क्या कहें, मेहमाने ना कहेंगे, जो अतिथि है, मेहमान है, गेस्ट है। चुनाव जब तक है चुनाव रहेगा, फिर वापस चले जाएंगे। क्योंकि हम लोगों का सम्मान तो हर एक के प्रति है, सब लोगों के प्रति है। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से हमारे पिता का क्या ताल्लुक रहा, वो किसी से छुपा नहीं। अब चिराग उनके बेटे हैं, हमारा पुराना परिचय है, कई बार हम लोगों ने साथ में काम किया, लेकिन आजकल हनुमान बने हुए हैं। लेकिन वो भी भाई हैं, अब उनके भाई के जीजा हैं। तो मेहमान है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप मेहमान का हम भी नहीं जानते हैं कि भाई पता कहाँ है। बताओ, हाथ उठा के एक व्यक्ति बता दीजिए कि उनका पता कहाँ है। जमुई के लोगों को अगर जरूरत पड़ेगी, विदेश जाना पड़ेगा, तो कहाँ जाइएगा, कहाँ जाओगे बता दो जरा। आपको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करता। प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, एक बार भी परिवारवाद के बारे में जिक्र नहीं किया जमुई में। और ये बताओ, प्रधानमंत्री जी आखिरी बार कब आए थे जमुई? चुनाव में, 5 साल पहले। और फिर आए हैं चुनाव में, 5 साल बाद। पिछले बार क्या क्या बोला था याद है? क्या क्या बोले थे 14 से 19 में? क्या क्या बोले थे कि हम आएंगे तो गरीबी को मिटा देंगे? आज तक क्या दिल तेरा खुद से बताइए कि गरीबी मिटा है कि बताइए, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? क्या बोले थे कि महंगाई खत्म कर देंगे? बताओ, महंगाई खत्म हुआ है कि और सामान महंगा हो गया? क्या बोले थे कि बेरोजगारी दूर कर देंगे, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे? बताओ, कितना नौकरी दिया प्रधानमंत्री जी ने? तो जमुई को खाली ठगने आते हैं। प्रचंड बहुमत आपको बिहार की जनता ने दिया था 40 में से, 39 सीट जिताया। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। कहाँ मिला बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? कुछ नहीं मिला। लेकिन आप अपने आप से पूछिए, लगातार आप लोग एनडीए को जिताते रहे जमुई में, और जमुई में जब एनडीए को आप लोग जिताए हैं, तो बताओ आपके गांव के लिए क्या किया मोदी जी ने? क्या स्कूल बनवाया, अच्छा बनवाया, क्या किया मोदी जी का बताओ? क्या अच्छा अस्पताल कराया? कुछ नहीं कराया। कितने लोगों को नौकरी दिया मोदी जी ने भारत सरकार ने? कुछ नहीं किया, केवल देश की संपत्तियों को बेचने का काम किया है। और जितना नौकरी बाली रेलवे और सेना में आता था, वो सबको निजीकरण कर दिया गया है। सब आप लोगों का नौकरी जहाँ मिलता था सबसे ज्यादा, वहाँ नौकरी खत्म कर दिया गया है। लेकिन जब आपका बेटा, आपका भाई 17 महीने डिप्टी सीएम था, तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी कितना दिए थे बताइए? 5 लाख। मोदी जी, हम लोग चैलेंज करते हैं, चिराग जी चैलेंज करते हैं, बताओ देश में कहीं भी अगर किसी सरकार ने 5 लाख नौकरी 17 महीने में दिया हो तो बताओ? मोदी जी भी दिया हो तो
तो बताओ बताओ, भारत सरकार के प्रधानमंत्री लाख में भी नौकरी नहीं दे पाए, लेकिन आपका बेटा डिप्टी सीएम रहते हुए हमारे चाचा मुख्यमंत्री थे, आप पलट गए तो पलट गए, तो पलटे नहीं ना, उनको हाईजैक कर लिया, समझे, चाचा जी हाईजैक हो गए। हम तो बहुत सम्मान देते हैं, बुजुर्ग हैं, छोटा है हमको, वो बड़े हैं, लेकिन वही 2020 में नए स्टेडियम के अंदर हम आए थे, सबसे पहली बार हम बोले थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तब हमारे चाचा क्या कहते थे, अपने बाप के पास से पैसा ला करके देगा, असंभव है, असंभव। सोचो वैसे मुख्यमंत्री से हमने 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटवाया, जो असंभव कहते थे उसको भी हमने संभव करके दिखाया, काम हमने करते, रात रात भर छापा मारते थे अस्पताल में कि कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है कि नहीं कर रहा, डॉक्टर जा रहे हैं अस्पताल कि नहीं जा रहा, दवा अस्पताल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बताओ ये लोग बन गया दूतू को डिप्टी सीएम सीएम मंत्री, एक दो दिन छापा मारा अस्पताल में, लेकिन आपका भाई रात के 2 बजे भी जाके छापा मारने का काम करता था, रात रात भर साफ सफाई करवाते थे, शहरी विकास हमारे अंतर्गत था, छठ पूजा होता था, कुछ होता था, रात रात भर घाट घाट जा करके सफाई करवाते थे खड़े होकर के। हम लोग झूठ बोलने वाले लोग नहीं है, यहाँ मोदी जी बोलते हैं कि परिवारवाद है परिवारवाद, तो जमुई में क्या है भाई, पहला चरण का चुनाव कहाँ